तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीव जैसे तैसे करके ऊपर मून पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर बहुत ही खतरनाक एलियंस थे। लेकिन वहां से स्टीव को एक बुक मिली जिससे ये पता चला कि काफी साल पहले हीरो ब्राइन और नॉच बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उस टाइम की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी जब एंटिटी 303 के भाई एंटिटी 606 ने नॉच के छोटे भाई को मार दिया था। लेकिन इसी बात का फायदा उठा के नल और एंटिटी 303 ने नॉच को गलत बताया कि उसके छोटे भाई को हीरो ब्राइन ने मारा, और देखते ही देखते हीरो ब्राइन और नॉच एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। गाइस एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में बेचारे स्टीव की ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, और आप लोगों को तो पता है कि मून पर कोई भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक मिनट, ये गार्ड्स किसके हो सकते हैं और यहाँ पर रास्ता क्यों बंद कर रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं एंटिटी 303 का भाई एंटिटी 606 भी जिंदा हो? ओह माय गॉड। लेकिन हमें ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कैसे भी करके वापस हीरो ब्राइन और जिन के पास पहुंचना होगा, और हमारे पास अभी दो ऑप्शन है। या तो हम यहाँ से वापस जाएं और अपने रॉकेट पर बैठ के वापस जमीन में चले जाएं, और या जो हमारा प्लान था हीरो ब्राइन, स्टीव और जिन का, कि स्टीव ऊपर मून पे जाके कुछ पावरफुल वेपन्स लाएगा जिनकी मदद से हम नल और एंटिटी 303 और होगा लला को हमेशा के लिए अपने वर्ल्ड से मार के भगा देंगे। लेकिन अभी तक तो हमें यहाँ पर दो ही वेपन मिले हैं, क्योंकि जिन ने कहा था कि ऊपर मून पर नल और एंटिटी 303 के बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं जिनकी मदद से हम उन दोनों को मार सकते हैं और उनसे फाइट कर सकते हैं, और वो वाले वेपन हमें यहाँ से ढूंढने होंगे। और अभी तो हमें आगे जाना होगा। अब पता नहीं गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी 606 यहाँ पे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जगह पूरी की पूरी उसकी हो। लेकिन अभी हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? काटी हुई मुंडियाँ किसकी हो सकती है? एक मिनट, कहीं गार्ड मेरा शोर ना सुन ले। लगता है ये गार्ड्स भैया अभी सो रहे हैं और इसी बात का फायदा उठा के इनको मार देते हैं। एक मिनट, कहीं ये जागना ये क्या है बे? आप लोगों ने कुछ नोट करा कि मैं इन लोगों को मार रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को जरा भी पता नहीं चल रहा कि कोई हमें मार रहा है। और ये देख, ये अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये इंसान नहीं है बल्कि रिबोट है, और अभी ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब कि काफी सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। भाई साहब, अगर ये चार्ज हो गए तो एक मिनट गाइस, ये क्या है? हीरो ब्राइन की मुंडी लग रही है मेरे को, वो देखो दो। एक मिनट, आगे चल के देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, और हो सकता है कि यहाँ पर करंट का कोई सीन ना हो, तो इसीलिए हमें आराम से। ये देखो, ये तो बिल्कुल हीरो ब्राइन के जैसे दिखने वाली मुंडियां लगती है मेरे को, लेकिन यहाँ पर किसने रखी होंगी और क्यों रखी होंगी? और आगे चल के देख, एक मिनट, ओ भाई साहब, ये वाली मुंडियां देखो कितनी खतरनाक है, और इनके मुंह से खून भी निकल रहा है। ये तो मुझे लगता है कि कहीं नोच के जैसा दिखने वाली मुंडी लगती है मेरे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटिटी 303 के भाई एंटिटी 606 ने नोच को मार दिया हो, और अब वो हीरो ब्राइन को भी मारना चाहता हो? ओ भाई साहब, बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि नॉच अभी तक जिंदा होगा कि नहीं, कमेंट में बताना। और अगर वो जिंदा है तो क्या हमें सच उसको बताना चाहिए कि तुम्हारे भाई को हीरो ब्राइन ने नहीं बल्कि एंटिटी 303 के भाई एंटिटी 606 ने मारा था? और अगर वो हमारी तरफ होता है तो फिर एंटिटी 303 और नल की छुट्टी पक्की। लेकिन अभी हमें संभल के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और रूम है और पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे कोई है। ओ भाई साहब, वो देखो उसकी पूरी वाइट आईज है। मुझे तो लगता है कि यही एंटिटी 606 है। लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि हीरो ब्राइन ने इसके पेट में अपनी सॉर्ड मारी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटिटी 303 और नल ने इसको अपनी शक्तियों से बचा लिया हो? लेकिन एक मिनट, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी यहाँ से रास्ता खोल के। अगर वो बाहर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई आया था। लेकिन अभी हमें बहुत ही सावधान होके देखना पड़ेगा इसको, कि आखिर ये कर क्या रहा है यहाँ पे।
और इसका ये तो बाहर आ रहा है, कहीं इसने मेरे को देखा तो नहीं। एक एक मिनट कहीं पर छुप जाते हैं भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे देख ले। ये तो बाहर आ चुका है। ओह माय गॉड, ये क्या? एक मिनट कहीं उसने देखा तो नहीं भाई साहब, लगता है मेरा दी एंड होने। एक मिनट, अच्छा हुआ कि उसको पता नहीं चला, लेकिन वो इधर उधर देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको शक हो चुका है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। एक मिनट, ये अरे ये यहाँ से आर पार कैसे चला गया? लगता है भाई ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो क्या कर रहा है वहाँ पे? कहीं उसने वो बुक देख ली जो लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ी थी, वो तो हमारे पास है। ये क्या था? कहीं उसने हमें देख तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई साहब अब मैं करूं तो क्या करूं? चला गया। शोर नहीं करना। वो भाई देख रहे है इधर मेरे पास, लगता है उसको शक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब एंटिटी 606 यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसके पावरफुल वेपन्स भी यहाँ पे होंगे, जिनकी मदद से हम नल और एंटिटी 303 और होगालाला को खत्म कर सकते हैं। बस हमें वो वेपन ढूंढने और यहाँ से चुरा के निकलना है सीधा रॉकेट पे बैठ के जमीन पे। लेकिन एक मिनट, ये एंटिटी 606 कहाँ पे चला गया? ओ भाई कैसे रास्ते हैं यहाँ पे? लेकिन एक मिनट, यहाँ पर भी एक रास्ता है और यहाँ पर भी एक रास्ता है। मुझे तो लगता है कि यहीं पर गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गेट भी है। एक मिनट, पहले इस साइड पे चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पर है। ये क्या है भी? ये मैं कहाँ पे गिर गया? और इतने सारे एलियंस, ओ माय गॉड। गाइस मेरे को लगता है कि आज हम नहीं बचेंगे। शिट यार, ये क्या? लेकिन वो एलियंस मुझे मारने के चक्कर में एक दूसरे को मार रहे हैं, और वो बहुत ही तेजी के साथ मर गए यार। लेकिन यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एंटिटी 606 आ जाए। और यहाँ पर पिगलिन भी है। ओके, एलियंस तो अभी थोड़े से बचे हैं भाई, उन्होंने अपने आप को मार डाला। मतलब वो मारना मुझे चाहते थे, लेकिन उनके डैमेज एक दूसरे को लगे, और इसकी मदद से मैं यहाँ पर बच पाया। ये मॉब किलर से ट्राई करते हैं। ओ भाई, एक ही फटके में मॉब किलर इन सभी को मार देता है क्या? मतलब एक ही शॉट में जो सा मॉब होगा, मतलब जैसा भी मॉब होगा, वो उसको मार पाएंगे क्या हम? पता नहीं गाइस, ये तो अब चल के पता चलेगा, लेकिन अभी हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। बस हमें कैसे भी करके वो वेपन्स जल्दी से ढूंढने होंगे और यहाँ से सीधा निकलना होगा, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है भाई साहब। ओके, आराम आराम से यहाँ पे चल के देखते हैं। ओ फाइनली एंटिटी 606 यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन एक मिनट गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। जब तक वो इस रूम में है, हम वापस चलते हैं उस रूम में जहाँ से वो निकला था। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कुछ पावरफुल वेपन्स हों। और एक मिनट, ये क्या है बे? कैसा रूम है ये? और कहीं यहाँ पर इतनी सारी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, लेकिन ये क्या क्या हो क्या रहे हैं यहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग यहाँ से अपनी पावर्स को बनाते हों? और आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले नल और एंटिटी 303 भी यहाँ पर ऊपर मून पर आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? यहाँ पर एक चेस्ट है और इसका पास ओके 606। इसका मतलब कि ये इसका पासवर्ड हो सकता है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 606 फाइनली। लेकिन एक मिनट, स्टोरी ऑफ होगालाला। ओ माय गॉड गाइस, हमें यहाँ पर एक और बुक मिली है। बिल्कुल वैसी बुक है जो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखी होगी, जो हमें एंटिटी 606 की बुक मिली थी, जिसको हमने पढ़ा था। और उस बुक को पढ़ने के बाद हमें पूरी स्टोरी पता चली थी एंटिटी 606 की। ये मेरे बैग में पड़ी हुई है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये होगालाला वाली बुक को हम पढ़ेंगे तो हमें होगालाला की पूरी स्टोरी पता चलेगी कि आखिर वो माइनक्राफ्ट में कैसे आया? लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर एंटिटी 606 है। हमें कैसे भी करके उसको चकमा देके कुछ पावरफुल वेपन ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट, ये यहाँ पे क्या मैंने जोर से बोल दिया? कहीं उसने सुना तो नहीं? एक मिनट, ओ भाई साहब, ये क्या? ये कहीं उसने देखा तो नहीं ना? एक मिनट, अभी हम कहीं पर छुप जाते हैं। बस एक बार ये उधर उधर हो जाए, मुझे लगता है कि जिस वाले रूम में ये था उस कुछ पावरफुल वेपन हो सकते हैं भाई साहब। ओके, ये अंदर जा रहा है और ये गेट भी बंद हो चुका है।
अभी हमें आराम आराम से यहाँ से निकलना होगा और सीधा उस तरफ जाना होगा जहां पर ये मतलब रुका हुआ था। पता नहीं वहां पर ये क्या कर रहा था, चल के देखना पड़ेगा। हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होने को है, लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे, इतनी सारी शॉर्ट्स, और वो भी भाई साहब खतरनाक तरीके से कैसे ग्लो हो रही है। एक मिनट भाई साहब, मुझे लगता है कि वॉर शॉर्ट, इसका मतलब ये वॉर वाली शॉर्ट है क्या? इससे क्या जंग में यूज किया जाता है? एक एक और इसका अटैक डैमेज देखो भाई, 50 है। इसका मतलब दो शॉट से ड्रैगन को मार सकते हैं, इतनी खतरनाक शॉट। ई भाई साहब, अब आएगा मजा। और ये देखो, जब से मैंने इसको उठाया है ना, मेरी स्पीड भी तेज हो चुकी है भाई साहब, क्या ही गजब की शॉट है। लेकिन अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं, अब आएगा मजा। नल और NTT 303 और NTT 6, ये वाली शॉट मॉब किलर। ओके, इसकी इसकी क्या खूबी है भाई साहब? इसका मतलब हम इसको मॉब को किल कर सकते हैं, और इसका अटैक डैमेज है भाई साहब 40। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर से तो गोले निकलते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं। और ऊपर एक और भी सॉर्ड है, इसको ट्राई करते हैं भाई, ये तो और ही गजब लगती है मेरे को। और ये क्या काम करती होगी? ये क्या है भाई, इतनी बड़ा धमाका एक सॉर्ड से, कहीं एक मिनट NTT 606 को ना पता चले। भाई साहब ये तो गजब की सोड है, और यही वेपन तो हम कब से ढूंढ रहे थे, मैं और जिन, और ऊपर से हमारे साथ हीरो ब्राइन भी मिल चुका है। अब आएगा मजा इनको खत्म करने में। लेकिन बहुत ही बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि NTT 606 भी जिंदा है। लेकिन ये एंडर वर्ल्ड क्या है भाई, इस सोड का नाम, लेकिन ये क्या, जैसे ही मैंने इस सॉर्ड को अपने हाथ में उठाया, मैं भाई आगे जाके गिरा काफी ब्लॉक दूर। इसका मतलब ये क्या क्या करती होगी, इसकी स्पेशल पावर क्या हो सकती है? अभी दोबारा इसको, अच्छा अब पता चला कि इस सॉर्ड की मदद से हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं कहीं पे भी। माय गॉड भाई साहब, ये तो मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि जब भी नल और NTT 303 से मैं लड़ूंगा, मैं टेलीपोर्ट होके आगे भागूंगा और हीरो ब्राइन उनको पीछे से मारेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी नहीं यार, इसमें मजा नहीं है वो वाला जो इनमें था। अब ये काम करते हैं, ये जो भी हमें स्वॉर्ड मिली है ना, जो सबसे पावरफुल है, उनको हम संभाल के अपने बैग में रखते हैं, क्योंकि अभी हम सीधा जाएंगे रॉकेट पर, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे गिर जाए और फिर हमें नल और NTT 303 मार दें। लेकिन यहाँ पर भी एक बटन टाइप कुछ लगता है, इसको दबाते हैं। ये क्या है बे, ये तो सिक्योरिटी अलर्ट है भाई। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ये बंद कैसे होगा? अभी तो NTT 606 को भी पता चल चुका होगा। ठीक, हमें यहाँ से जल्दी। ये क्या है, ओ मेरी टेलीपोर्ट वाली सॉर्ड की तरह भाई। ओके, टेलीपोर्ट करके मैं थोड़ा आगे तो निकल आया हूँ। निकलो निकलो निकलो, ओ माय गॉड, वो देखो NTT 606 भी आ चुके हैं भाई साहब। अभी हमें कैसे भी करके जल्दी से रॉकेट तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये हमें पकड़ लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता हमें छुड़वाने के लिए, ना ही हीरो ब्राइन और ना ही जिन, क्योंकि वो एक ही रॉकेट था जिसको लेकर हम ऊपर आए हैं। ओ माय गॉड, अब जल्दी से हमें इस रॉकेट के अंदर फ्यूल भरनी होगी, और जल्दी से फ्यूल भरते हैं। ऊपर से हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमें यहाँ पर पकड़ लेंगे। भाई मुझे बहुत ही डर लग रहा है, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। वो देखो NTT 606 आ रहा है भाई पूरी आर्मी लेके। एक एक मिनट, जल्दी से रॉकेट को मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये 10 सेकंड में उड़ जाएगा। लेकिन NTT 606 भाई, वो देखो बड़े बड़े जंप लगा के मेरे पास आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। ओ माय गॉड, फाइनली फाइनली यार, टाइम पे ये रॉकेट उड़ गया। अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये कैसे भी करके NTT 606 से नीचे आएगा जमीन पे, और ये नल का साथ देगा और NTT 303 का। लेकिन अच्छी बात है, हमारे पास पावरफुल वेपन आ चुके हैं, अब लड़ाई